Hello everyone, welcome to the Practical DOM series. So in this video we'll again be exploring some new methods and properties and be implementing a new question. Hope so, let's start again. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करता हूँ. ओके, तो व्हाट आर द न्यू पॉइंट्स. सो लेट्स सी, वी आर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, कुछ चिल्ड्रन के ऊपर, कुछ चाइल्ड नोड्स के ऊपर और कुछ पेरेंट एलिमेंट के ऊपर. सेम टू सेम वैसे ही इस वीडियो में कुछ ऐसा ही रिलेशन के ऊपर कुछ वीडियो रहेगा. ठीक है, तो मैं कुछ टर्म्स अगेन डिफाइन करता हूँ, जैसे कि ये हो गया हमारा, जैसे कि प्रीवियस सिबलिंग. प्रीवियस, आज की वीडियो हम देखेंगे कि इन टर्म्स की क्या यूज केस है. ठीक है, प्रीवियस सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग. ठीक है, सेम टू सेम हमारे पास रहेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट सिबलिंग और फिर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग. ग्रेट, तो फिर इनके बीच के डिफरेंसेस भी जानते हैं और फिर इनका यूज केसेस भी जानते हैं. ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ, अगेन अ लिस्ट ऑफ सम एलआई एलिमेंट्स. सो यूएल इज गोइंग टू बी द पेरेंट एंड वी हैव द चिल्ड्रन एलिमेंट्स एज अ कलेक्शन ऑफ एलआई एलिमेंट्स. ग्रेट, सो यहाँ पे क्या है कि मान लेता हूँ मैं इस नोड को टारगेट करता हूँ. ठीक है, मैं इस एलिमेंट को टारगेट करता हूँ, तो मुझे इसकी पहली, मतलब सिबलिंग क्या होती है, या फिर उसकी लेवल का, मतलब जैसे कि हम हमारे भाषा में बोलते हैं तो भाई या बहन. ठीक है, तो फिर इन एलआई एलिमेंट्स के लिए ना, जो ऊपर जो इसके लेवल पे जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं ना, विच एवर एलिमेंट्स विच आर ऑफ इट्स ओन लेवल, दोज आर कंसिडर्ड इट्स सिबलिंग. सो वी हैव दिस टू फेजेस, सो दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट target element and this part, the upper part is going to be the previous, upper part is going to be previous and the next below portion is going to be next part of siblings. great, तो in terms को हमने define कर दिया और अभी आगे और देखते हैं कि जैसे कि अभी हम बात करते हैं previous sibling के ऊपर. previous sibling क्या करता है, अब जब भी हम इस target node पे previous sibling डालते हैं ना, तो पहले हम देखते हैं previous element sibling. ठीक है, पहले हम देखते हैं previous element sibling, तब हमको डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो मैं पहले चूज करता हूँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग. प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या कहता है, जब भी मैं किसी टारगेट नोड के ऊपर प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग का प्रॉपर्टी लगा देता हूँ ना, तो वो मुझे रिटर्न करेगा इसके जो भी प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, मतलब यहाँ पे ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर 3 मेरा टारगेट बनता है ना, तो मुझे प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग में क्या रिटर्न होगा, मेरे से रिटर्न होगा 2 नाम का बंदा. ठीक है, अगर 3 का प्रीवियस है 2, और अगर नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट, अभी नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग की भी बात करते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या होती है, अगर मैं सेम 3 को टारगेट रखता हूँ तो नेक्स्ट एलिमेंट होता है 4, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न होगा 4 एस एन एलिमेंट. ग्रेट, ठीक है, अभी हम बात करते हैं प्रीवियस सिबलिंग की. ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट, नेक्स्ट ईएस, ये है प्रीवियस सिबलिंग और फिर यहाँ पे आएगा नेक्स्ट सिबलिंग. ठीक है, अभी नेक्स्ट सिबलिंग, अभी मान लेते हैं यहाँ पे है 3. ठीक है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी हमारा टारगेट बनेगा 3. तो प्रीवियस के लिए प्रीवियस सिबलिंग क्या है, 2. अभी के लिए प्रीवियस सिबलिंग भी सेम रिटर्न करेगा 2. ग्रेट, और यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगा, सेम एस इन 4. अगर पहले से ही नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है, तो इन दोनों की जरूरत क्यों है. ठीक है, तो एक डिफरेंस है इन दोनों के, इन चारों में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि एलिमेंट सिबलिंग और फिर ब्लैंक वाली, सिर्फ सिबलिंग वाले में क्या डिफरेंस है देखते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस सिबलिंग आपको रिटर्न करता है प्रीवियस नोड वाली सिबलिंग. ठीक है, प्रीवियस नोड, तो जैसे कि हमने बात की थी नोड, तो नोड में क्या होता है, नोड में ऑफकोर्स स्पेस भी नोड होता है. ठीक है, ब्लैंक स्पेस भी नोड होता है, टेक्स्ट भी, ब्लैंक टेक्स्ट भी, एक टेक्स्ट भी एक नोड होता है. ठीक है, कमेंट, जो भी आप कमेंट लिखेंगे अपने कोड में, वो भी एक नोड कंसीडर होता है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे मान लेता हूँ अगर न्यू लाइन भी होता है, तो न्यू लाइन भी एक नोड ही माना जाता है. ठीक है, तो फिर 3 से पहले मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि न्यू लाइन की नोड है. ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे प्रीवियस सिबलिंग करोगे ना, तो प्रीवियस सिबलिंग के नाम पे आपके पास क्या आएगा, प्रीवियस सिबलिंग नोड. अब यहाँ पे क्या आएगा, ये है पास्ट, अब ये
प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट में हम देख रहे हैं, ये स्लैश एन लगाने के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट सिबलिंग, यहाँ पे भी लगा देते हैं स्लैश एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा हमारा, यहाँ पे हेलो लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेलो एक टेक्स्ट नोट लिखते हैं, ठीक है। तो फिर प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे क्या रिटर्न होगा, मेरा स्लैश एन, जो कि एक न्यू लाइन है, क्योंकि वो भी एक नोड की तरह ही कंसिडर हुआ जाता है। और फिर यहाँ पे हेलो ऐसा टेक्स्ट नोट, क्योंकि वो आ जाता है, अगर कमेंट होता है तो कमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस जैसे की थी, एलिमेंट और नोड के बीच की डिफरेंस यही होती है, इसीलिए यहाँ पे चार अलग अलग मेथड दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी इसके बेस के ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आइए चलिए चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन में क्या इंप्लीमेंट करने को कहा है, क्रिएट अ जेनेरिक फंक्शन टू सेलेक्ट ऑल सिबलिंग ऑफ अ गिवन नोड, यूजिंग दैट फंक्शन डिलीट ऑल सिबलिंग्स ऑफ रेड कार्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, यहाँ पे है रेड कार्ड हमारे पास, और कुछ और भी सिबलिंग एलिमेंट्स है इसके ऊपर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कार्ड है, एक डिव है रेड कार्ड का, और बाकी सब ब्लैंक कार्ड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसके सभी सिबलिंग एलिमेंट्स को डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आपको दो मेथड से करके दिखाऊँ, ठीक है, हम यहाँ पे दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड देखते हैं, जो कि है हमारा जिस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, सिबलिंग वाला मेथड, ठीक है। तो फिर उस पर देखते हैं, जैसे कि पहले मुझे रेड एलिमेंट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे ही मेरे टारगेट चाहिए, क्योंकि टारगेट के बेस पे ही मैं अपना सिबलिंग फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेड, यहाँ पे रेड एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ रेड, क्वेरी सेलेक्टर क्लास है रेड, ग्रेट क्लास है रेड। तो रेड एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया है, अभी मुझे उसके सिबलिंग को लेना है, मुझे प्रीवियस सिबलिंग को भी डिलीट करना है, रिमूव करना है, और फिर उसके नेक्स्ट सिबलिंग को भी रिमूव करना है, ठीक है। तो फिर मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक का नाम होगा प्रीवियस, एक का नाम होगा बिफोर, मैं यहाँ पे नेम देता हूँ बिफोर, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ रेड एलिमेंट डॉट प्रीवियस। यहाँ पे हमें एलिमेंट चाहिए, ठीक है, हमें दिख रहा है ऑफकोर्स, ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइन आ जाएगा, अगर प्रीवियस सिबलिंग करूँ तो न्यू लाइन आ जाएगा, मुझे एचटीएमएल एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग करूँगा, ठीक है। और फिर सेम टू सेम नीचे हमारे पास चाहिए होगा एक आफ्टर का सिबलिंग, ठीक है, मतलब नेक्स्ट सिबलिंग, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा, अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे जाते हैं, जैसे कि मुझे अभी पहले फेस में सारे प्रीवियस वाले डिलीट करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाइल बिफोर, मतलब बिफोर में कुछ रेफरेंस है अभी के लिए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी सारे एलिमेंट को मैं रिमूव करता जाऊँ, कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बिफोर डॉट रिमूव, बिफोर डॉट रिमूव करने से जो भी पिछला एलिमेंट था, जो भी पिछला एलिमेंट था वो हट जाएगा, ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पे जो भी, यहाँ पे जो भी पिछला एलिमेंट था ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी एक और सिबलिंग भी बचता है, मुझे उसको भी रिमूव करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने नेम दिया था बिफोर में, बिफोर में वाइल लूप के अंदर मैं सेट कर लूंगा इस बिफोर को वापस इस रेड, क्योंकि ये हट चुका है तो इस स्पेस में कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिमूव होने के बाद ये जगह सारी हट जाती है, ठीक है, ये जारी हटने के बाद यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी। तो फिर अब मैं अगर प्रीवियस सिबलिंग, अब मैं रेड एलिमेंट पे प्रीवियस सिबलिंग लगाऊंगा ना, तो ये इसको प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग आऊंगा तो इसको इस एलआई को डिनोट करेगा जो होगा वन मेरा, ठीक है। तो मुझे इस वन को भी डिलीट करना होगा, तो मैं सेम वही रिमूव करूंगा तो फिर ये भी हट जाएगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा आफ्टर का, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है, चलते हैं हमारे कोड पे। अच्छा, तो यहाँ पे आया मैं बिफोर डॉट रिमूव, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ बिफोर इज इक्वल टू, अभी रेड, अभी पिछला वाला प्रीवियस सिबलिंग हट चुका है, तो अभी रेड एलिमेंट में प्रीवियस सिबलिंग होगा उससे भी बिफोर वाला, ठीक है, उसी को डिनोट करेगा। अच्छा, ये कर दिया, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वाइल आफ्टर, आफ्टर के सिबलिंग को भी रिमूव करना है, तो वाइल आफ्टर, तो मैं आफ्टर क्या करता हूँ, आफ्टर में जो नेक्स्ट सिबलिंग होगा, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग होगा, मुझे उसको रिमूव करना है, ठीक है, उसको रिमूव करना है, सेम प्रोसीजर रिमूव आफ्टर डॉट रिमूव। अच्छा, और उसके बाद आफ्टर में सेट कर देता हूँ
रेड एलिमेंट का तो एक्सेस हमारे पास है ही, रेड एलिमेंट डॉट प्रीवियस, अच्छा रेड एलिमेंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है, ये करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं एक बारी, हम फिर से लाइव सर्वर खोलते हैं क्योंकि वाइल कंडीशन के कारण ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, देखें, ठीक, पहले हमारे पास सारे कार्ड्स थे, इसके थ्रू हमारे पास सभी सिबलिंग कार्ड्स रिमूव हो गए। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, हमारे पास रेड कार्ड की एक्सेस है, ठीक है, रेड कार्ड की, रेड एलिमेंट की पहले से ही एक्सेस है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी जिसे मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कार्ड्स, लेट ऑल कार्ड्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल ले लेता हूँ। ठीक है, इसे कौन सी लेना है, मुझे सभी कार्ड्स चाहिए, तो क्लास नेम डाल के सभी कार्ड्स का एक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक फॉर लूप चला के देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये किया मैंने फॉर लूप को और फिर लिख दिया ऑल कार्ड्स डॉट लेंथ, ऑल कार्ड्स डॉट लेंथ, और फिर हमारे आई को मतलब हमारे सभी कार्ड्स को एक एक करके इंक्रीमेंट करें। ठीक है, इस इंक्रीमेंटेशन के बाद हम जब भी कार्ड एनकाउंटर होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, कैसी कंडीशन देखते हैं, इफ मेरा रेड एलिमेंट इज इक्वल टू ऑल कार्ड्स ऑफ आई, मतलब ये केस सिर्फ एक बार एनकाउंटर होगा, इसके थ्रू हमारे पास सारे कार्ड्स का एक्सेस आ जाएगा, और फिर जब भी मैं लूप लगाऊंगा सारे कार्ड्स यहाँ पे आइट्रेशन में आएंगे। हमारे पास रेड का, रेड एलिमेंट का रेफरेंस पहले से है, यहाँ पे ऑल कार्ड्स ऑफ आई में भी वो रेफरेंस एक बार ही आएगा। ठीक है, और जब वो आएगा ना, ठीक है, जब भी वो आएगा मुझे उस वक्त कुछ नहीं करना। ठीक है, मतलब कंडीशन को कुछ चेंज है कि इस नॉट इक्वल टू ऑल कार्ड्स ऑफ आई, तब क्या करना है, मुझे ऑल कार्ड्स ऑफ आई डॉट रिमूव करके रिमूव कर देना है। ठीक है, देखिए तो हमारे सारे कार्ड्स हट चुके हैं। ठीक है, रेड एलिमेंट में भी हमारे पास रेफरेंस है, यहाँ पे आइट्रेशन में भी एक बार ही हमारा रेफरेंस आएगा, और जब वो दोनों इक्वल नहीं है तब हमको सभी को रिमूव कर देना, राइट, सो वी हैव टू जस्ट रिमूव व्हेन द कंडीशन सेटिस्फाइज। ग्रेट, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू enjoyed this concepts as well. So let's meet in the next video.